हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। विनायक इंटरमीडिएट कॉलेज खजुराहट अयोध्या के ई ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार यादव, आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट में बात नामक निबंध की व्याख्या को आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूँगा, जो कि इस प्रकार है। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं। हमारी पिछली वीडियो में आप लोग पहले गद्यांश की व्याख्या को देख चुके हैं, आज यहाँ पर आप लोग दूसरे गद्यांश की व्याख्या वो भी यहाँ से देखेंगे। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है, जिसके प्रभाव से मानव जात समस्त जीवधारियों की श्रोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि पूरे संसार में जो मानव जाति है वह समस्त जीवधारियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। इसलिए कहलाती है क्योंकि वह बातों के माध्यम से अपने आप को सबसे अलग रखती है। फुक फारकात पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चरित कर सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि केवल अनुकरण के आधार पर जो तोता या मैना पक्षी है वह केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें निकाल सकते हैं। इसी से अन्य नभचरियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। इसी कारण अन्य नभचरियों की अपेक्षा ये जो है आदरणीय समझे जाते हैं। आदृत का अर्थ होता है आदरणीय। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है, फिर भी कौन नहीं मानेगा कि बात की बहुत बड़ी बात। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। बातों के माध्यम से ही लोग ईश्वर को भी निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार ही नहीं है, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं और बातों के ही माध्यम से उसके साथ अपना संबंध लगाए रहते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या को आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।